सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एम टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन एम एंड हाउ टू अर्न दो स्कॉलरशिप्स आपके जो भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो में रिजॉल्व हो जाएंगे किस तरह से पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है पासवर्ड भूल जाओ तो क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेबसाइट याद रखनी है दैट इज एम डॉट को डॉट इन इस वेबसाइट पर आप लॉग इन करेंगे तो आपको ये एक होम पेज दिखेगा दिस इज द होम पेज इस होम पेज के टॉप पे लॉग दिख रहा है अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं यू विल हैव टू स्क्रॉल है तो यहाँ पे आपको लॉग का पोर्टल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा लॉग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे लॉग और साइन अप अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आप एक साइन अप पर क्लिक करेंगे साइनअप पे आपको बेसिक डिटेल्स डालने पड़ेंगे जैसे फुल नेम डाल दिया कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट नंबर आपको ओरिजिनल डालना है इफ यू वांट टू अवेल दो स्कॉलरशिप्स फिलहाल आई विल क्रिएट अ डेमो अकाउंट तो आई विल जस्ट पुट एनीथिंग ओके okay, इसको याद भी रखना है एक्चुअली अल्पोट एंड टेस्ट ईमेल ये ईमेल ओरिजिनल होनी चाहिए क्योंकि अगर आप कभी पासवर्ड भूलते हैं तो यहीं से आप अपना जो अकाउंट uh, है वो रिस्टोर कर सकते हैं क्लास आप जिस क्लास में वो सेलेक्ट कर लेंगे एंड प्लीज सेलेक्ट द पासवर्ड ओके एंड वी हैव रजिस्टर्ड एम नॉट गोइंग टू सेव दिस आई विल जस्ट पुट दैट फोन नंबर जो मैंने वहां पे सेलेक्ट किया था एंड द पासवर्ड दैट आई डाटा देयर और उसके बाद मैं यहाँ पे साइन इन कर लूंगा साइन इन करने के बाद ये अकाउंट ओपन होगा बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि उनका वहां पे पासवर्ड वो भूल जाते हैं या कोई लेटर मिसप्लेस होता है तो जब भी आप पासवर्ड भूलें आप वहां पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं जो रिकवरी ईमेल थी वो डाल देंगे और आपको उसी समय एक पासवर्ड मेल में आ जाएगा जीमेल ओपन करेंगे आपको पासवर्ड मिल जाएगा और उस वो पासवर्ड से आप दोबारा से लॉग इन कर पाएंगे ये एक सिंपल सा डैशबोर्ड आपको दिख रहा है जहां पे फर्स्ट बॉक्स इज ऑनलाइन स्कॉलरशिप सेकंड इज नो योर सेल्फ दट इज योरिटी टेस्ट नेक्स्ट इज योर करियर टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फ्रॉम हेयर यू कैन बुक योर सेशन विद अस आफ्टर बुकिंग सेशन यू कैन सी हेर करियर लाइब्रेरी योर फाइनल एस्पिरेशन वट एवर यूर सेलेक्टेड एंड बेस्ड ऑन योर फाइनल एस्पिरेशन आपकी जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं या जो भी आपको नया सीखने की जरूरत है जहां पे भी आप एनरोल होंगे यहां से स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस बॉक्स इज एम बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स चलते हैं स्कॉलरशिप की तरफ आप ऑनलाइन स्कॉलरशिप पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक लैंडिंग पेज आपको दिखेगा वॉट यूव टू डू हेर इज यू हैव टू सेलेक्ट योर यूजर टाइप योर स्टूडेंट और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपने बाहर इनपुट किया था यहाँ पे ये ओरिजिनल मोबाइल नंबर से ही हम कर पाएंगे यहाँ पे कोई टेस्ट ईमेल नहीं चलेगा इसलिए मैं अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सम आईडीज जैसे ही आप एक अगर नए यूजर हैं तो आपको यहाँ पे एक आई क्रिएट करने का चांस मिल जाएगा जैसे मैंने बहुत सारी आईडीज बना रखी है टेस्ट आईडीज तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे

उसके बाद अगर आप नए यूजर हैं तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल सेट करनी है प्रोफाइल में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालने हैं जैसे आपका नाम मोबाइल नंबर पहले से होगा यहाँ पे ई मेल आप डालेंगे जेंडर सेलेक्ट करेंगे क्लास पहले से होगी प्राइवेट स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है ये आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद इंस्टीट्यूशन जो है बोर्ड कौन सा है वो आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट आप कहाँ से है डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उस स्टेट में स्कूल आपका कौन सा है मीडियम मदर टंग कौन सी है ट्यूशन अगर आप लेते हैं कौन सी ट्यूशन इंडिविजुअल है या ग्रुप है ये चेंजेस आप सेव कर देंगे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक्सेप्ट करेंगे कंडीशन को और उसके बाद आपको कुछ आई डी प्रूफ्स यहाँ पे अपलोड करने हैं ये जो फर्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की फ्रंट कॉपी अपलोड करनी है सेकेंड में बैक साइड आधार कार्ड की उसके बाद स्कूल आई और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो लेटेस्ट फोटोग्राफ होगा वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे तो योर फोन शुड बी स्टिल आई लेट यू नो द कंडीशंस क्या है टेस्ट की बट ये डॉक्यूमेंट्स आप जैसे ही अपलोड करेंगे आपको यहाँ से KYC verification के लिए कर कर दिया जाएगा और जैसे ही KYC verification प्रोसेस हो जाती है है उसके बाद आप आप अपने scholarship का जो amount है, वो transfer कर सकते सकते हैं हैं ध्यान से सुनिएगा पहले भी दे बट अमाउंट अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो केवाईसी कंपलसरी है अब कुछ बच्चे हैं जिनके पास स्कूल आईडी कार्ड हो सकता है ना हो स्कूल आई कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट की एक कॉपी आपको मिल जाएगी जिसका पीडीएफ फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल करके अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर और स्टैंप लगवा सकते हैं दैट विल वर्क जैसे ही आपकी केवाईसी हो जाएगी आप मेन पेज पे दोबारा आइए मेन पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे साइड पे देखेगा आपका बैलेंस जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाएंगे वैसे ही बैलेंस इंक्रीज होता जाएगा फिफ्टी रुपीज हंड्रेड रुपीज टू हंड्रेड रुपीज और साथ में ही जो यहाँ पे ऑरेंज कलर का एक ऑप्शन है ऊपर बैलेंस का आप इस क्लिक करेंगे तो ये आपसे अकाउंट नंबर या फिर पेटीएम डिटेल्स मांगना शुरू कर देगा आप यहाँ पे अपनी पेटीएम की डिटेल डालेंगे यूपीआई आई भी डाल सकते हैं कंटिन्यू करेंगे और ये अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस केवाईसी करनी है केवाईसी करने के बाद टेस्ट देने हैं उसके बाद ये अमाउंट आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं एक ओ आएगा ओटीपी डालने के बाद ये सारा प्रोसेस हो जाएगा कुछ फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको टेस्ट के लिए देना चाहूंगा दैट इज होल्ड योर फोन इन सेंटर वाइल टेकिंग द फोटो जब आप फोटो अपलोड करेंगे अपने फोन को बिल्कुल सेंटर में रखिएगा क्योंकि यही फोटो मैच होगा आपकी टेस्ट वाली वीडियो के साथ जब आप टेस्ट देंगे तब भी आपकी एक वीडियो रिकॉर्ड होती है लाइव में और अगर आपका फोटो मैच नहीं होता देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप नो एक्सटर्नल हेल्प ड्यूरिंग द क्विज आप बोल के या स्क्रीन को छोड़ के या कहीं पढ़ के हेल्प नहीं ले सकते क्विज के दौरान क्विज आपको खुद से देना पड़ेगा हाँ सिलेबस वहां पे अवेलेबल है आप देख सकते हैं रिटेक से पहले आप दोबारा से तैयारी कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए बट टेस्ट के दौरान आप कोई भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं ले सकते पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेटेस्ट है जैसा मैंने पहले बताया था जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होने चाहिए कोशिश करिएगा जब फोटो क्लिक करते हैं वो फ्लैश लाइट उसके ऊपर ना आए ताकि हम आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच कर सकें वहां पे ये टिप्स एंड ट्रिक्स थे अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमारी ई मेल फोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं आप यहां से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें मैसेज कर सकते हैं वी विल लव टू हेल्प यू एक लास्ट डाउट बच्चों का आता है कि सर अगर हम टेस्ट दे भी देते हैं फिर भी हमारी स्कॉलरशिप अप्रूव नहीं होती फिर क्या होगा आपको हमें एक मैसेज करना है आपको आपके पोर्टल पे एक नंबर दिखेगा आपको उस पर एक मैसेज करना है एक आपका ओरल टेस्ट शेड्यूल किया जाएगा अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर मैंने चीटिंग नहीं किया है फिर भी मेरी स्कॉलरशिप अप्रूव नहीं हुआ है आप एक ओरल टेस्ट शेड्यूल कर सकते हैं हमारे काउंसलर्स आपको फोन करेंगे एक शॉर्ट ओरल टेस्ट होगा अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं एटी परसेंट मार्क्स स्कोर करते हैं वो स्कॉलरशिप आपको डिस्पर्स कर दी जाएगी अदरवाइज आप डायरेक्टली जैसे जैसे टेस्ट देते जाएंगे वैसे वैसे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते जाएंगे ये था एक बेनिफिट स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एम का पूरा बेनिफिट जानने के लिए एम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपको आगे आने वाले सारे फीचर्स से अवगत कराते रहें, आपको बताते रहें कि क्या साइकोमेट्रिक असेसमेंट से क्या होगा करियर लाइब्रेरी के ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ कि करियर लाइब्रेरी में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और उसके साथ साथ जो हमारे सेशन होते हैं उनमें क्या क्या बातें होती हैं क्या क्या चीजें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कौन कौन से रिसोर्सेज एम के पास हैं हम अगर बोलते हैं कि हमारे पास सारे करियर ऑप्शन के रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं अभी कुछ दिनों में कौन कौन से रिसोर्सेज एम एफ आई के पास है तो स्टे विद एम आई एंड आई थिंक दिस स्कॉलरशिप टेस्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अर्न मनी सो दैट यू कैन बेयर योर एक्सपेंसिस थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स